दोस्तों आईपीएल 2023 के पहले ही मैच में घटी बहुत बड़ी दुर्घटना। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, सीएसके और जीटी के बीच में हो रहे आईपीएल का पहला मैच काफी ज्यादा दुखदाई साबित हुआ। इस मैच को लेकर काफी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही दोस्तों इस मैच में वो जो घटना हुआ वो सभी को काफी ज्यादा झकझोर कर रखती है। सभी ही खिलाड़ी इस घटने से काफी ज्यादा हैरान हो गए। किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। दोस्तों आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देगा। और हां दोस्तों, आपका एक लाइक जो घटना घटी हुई है उसे भी ठीक कर देगा, तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज से शुरुआत हो चुका है आईपीएल का। ये आईपीएल 2023 अब काफी ज्यादा खास होने वाला है। ये जो पहला मुकाबला हुआ ये जीटी वर्सेस सीएसके के बीच में हुआ, लेकिन दोस्तों इस मैच में एक घटना सभी को काफी ज्यादा हैरान कर गई। इस मैच का टॉस जीता जीटी ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने काफी शानदार बैटिंग की। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड ने बढ़िया बल्लेबाजी की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान एक ऐसी घटना हो गई जो हर खिलाड़ी को हैरान कर रहा है। दरअसल ऋतुराज द्वारा मारी गई गेंद को जब केन विलियमसन पकड़ने जाते हैं तो केन विलियमसन बाउंड्री पे चोटिल हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम आती है और उन्हें इस मैच से बाहर कर देती है। इसके बाद केन विलियमसन इस मैच में बैटिंग नहीं कर पाए, और जिसके बाद फिर गुजरात टाइटंस की टीम इस चीज से काफी ज्यादा हैरान हुई। बहरहाल दोस्तों आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।